बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 विज्ञान विषय के भौतिक विज्ञान में इकाई 3 अध्याय 10 के भाग 4 यानी कि चौथा वीडियो है। प्रकाश अध्याय आपका जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले प्रकाश प्रकाशित उपकरण दर्पण दर्पण के प्रकार, तो आज इसके पहले देखा गया कि समतल दर्पण पर जो है फोकस दूरी क्या है, इमेज कहाँ बनती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके बाद मैं चर्चा किया था कि हम लोग अगले भाग वीडियो 4 में गोली दर्पण की बद्धता क्रिया तथा फोकस दूरी में संबंध गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध जटल भी आपका परावर्तन और अपवर्तन ही चल रहा है। तो आज हम लोग जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालेंगे, और संबंध यहाँ दो प्रकार के उपकरण है, एक अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। तो पता है ना आपको जो है दर्पण कैसे बनता है, समतल दर्पण का हो चुका है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में यह और आल का संबंध आज हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि समतल दर्पण की ही तरह वहाँ विद्युत के नियम अनुसार आपको बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा नॉर्मल एसी यहाँ क्या है आपका अभिलंब करते हैं नॉर्मल, और QA जो है आपतित किरण है, आपतित किरण इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। M1 M2 आपका दर्पण है, P यहां पोल है, यह फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ए बी जो है ये आपतित किरण है, और ए बी क्या है परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे क्या रिफ्लेक्टेड रे, पहले अपने चित्र फिगर को डिमॉन्स्ट्रेट कर लीजिए। QA आपका आपतित किरण है, आपतन के बाद उसी पृष्ठ से परावर्तित होती है QB जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है, सी वक्रता केंद्र है, पी पोल ध्रुव है, क्या है पोल है ध्रुव है, और PF की दूरी क्या है F होकर, और PC की दूरी जो है एक वेक्टर R यानी वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है फोकस है। अब देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण नॉर्मल तीनों एक ही तत्व में होते हैं, और दोनों की ज्ञा किसी आपतित किरण की और परावर्तित किरण की ज्ञा क्या होती है बराबर होती है। आइए फिगर से देखते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार QAC एंगल कोण QAC ध्यान दीजिए कोण QAC बराबर है कोण ACF के, कोण QAC बराबर है कोण ACF के, और दोनों का मान जो है क्या है आई, दोनों का एंगल क्या है आई है। ध्यान दीजिए आपको एकांतर कोण पढ़े AQAC और ACF दोनों क्या है एकांतर कोण और बराबर है, जिसको आपने आई लिखा है, इसलिए एंगल ACF ध्यान दीजिए
एंगल एबीएफ है कोण एबीएफ बराबर होगा कोण सीएएफ के। कोण एबीएफ जो है बराबर होगा कोण सीएएफ के, क्योंकि कोण एबीएफ और कोण सीएएफ, कोण सीएएफ और एबीएफ सम्मुख कोण है। कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। अतः दोनों के सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। अतः भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात एएफ जो है एफ सी के बराबर होगा। एएफ भुजा बराबर होगा एफ सी के। ऐसी स्थिति में जब दोनों भुजाएं बराबर होंगी, यहां हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जो दर्पण का द्वारक ए एम वन एम टू बच्चों को अपेक्षक द्वारक इसे दरवाजा नहीं होता करता, उसी तरह ये दर्पण का द्वारक यानी इसकी जो है दर्पण की दर्पण का व्यास एक तरह से कर लीजिए बड़ा या छोटा, तो मान लिया जो है दर्पण का द्वारक क्या है बहुत छोटा है, अर्थात जो ये आपकी किरण का बिंदु ए है छोटा हो जाएगा के पास होगा। जब ये मान लिया गया दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु ए जो है वो कहाँ होगा? ध्रुवी के पास होगा। और जब बिंदु ए ध्रुवी के पास होगा तो एफ यानी जो हाँ एफ और पी एफ, जब ए पी के पास होगा अर्थात उनका द्वारक दर्पण छोटा है तो एफ और पी एफ दोनों भुजाएं क्या होगी? समान होंगी, बराबर होंगी। अतः ये समीकरण एक जो आपका है एएफ बराबर एफ सी, समीकरण एक में जो है पीएफ बराबर एफ सी, समीकरण एक में क्या करते हैं इसका मान रखते हैं। समीकरण एक आपका है एएफ बराबर एफ सी के, अब यहाँ समीकरण एक में आप लिख सकते हैं पीएफ बराबर एफ सी बराबर वन बाई टू पी सी, पी सी का देख रहे हैं ध्रुव से बनता दूरी का ये क्या है आधार। यदि मान लिया जाए कि पीएफ बराबर एफ जो फोकस है, पीएफ बराबर एफ फोकस दूरी और पीसी बराबर कैपिटल आर है, तो पीसी बराबर कैपिटल आर और पीएफ बराबर एफ, तो एफ एफ बराबर आर बाई टू, अतः फोकस दूरी बराबर वन बाई टू इंटू बनता त्रिज्या। देखिए यहाँ का चित्र हो गया, यदि फोकस दूरी आउटर सर्कल की फोकस दूरी आपको निकालनी है ये बक्सा त्रिज्या की आधी होती है, और समतल दर्पण में भी आपको बता चुका हूँ यह इक्वल आर बाई टू, अतः किसी तरह का भी दर्पण होगा उसमें फोकस दूरी जो है बक्सा त्रिज्या की आदि होती है। इसी तरह अगले आइए हम देखते हैं उत्तर दर्पण के लिए। हाँ तो बच्चों आउटर दर्पण के लिए आप देखेंगे, आइए हम देखें उत्तर दर्पण के लिए। आप फिगर में देखिए उत्तर दर्पण का हमने फिगर बना रखा है, यहाँ भी जो है कि आपतित किरण क्यू ए आपतित इंसिडेंट रे और ए बी, ए बी परावर्तित किरण तथा ए एन, किरण क्या है एन, ए एन क्या है लंबन, एन को वक्रता के भीतर एक आगे लाइन है जो अभिलंब नार्मल का काम कर रहा है या अभिलंब, और ये परावर्तित किरण परावर्तित M1 और M2 क्या है आपका उत्तल दर्पण है, तीन अवतल दर्पण की तरह है और दोनों में आप देखेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ भी देखिए परावर्तन के नियम के ही अनुसार एंगल एन ए बी, एंगल एन ए बी जो परावर्तित परावर्तित किरण है इसके बीच बना कोण जो है रिफ्लेक्टेड परावर्तन कोण इसे कहते हैं आई को अपवर्तन कोण, तो एंगल एन ए बी बराबर है एंगल
एंगल सी ए एफ के, ध्यान देखिए यह एंगल सी ए एफ के क्या है, बराबर है एन ए बी बराबर है सी ए एफ के, दोनों आधार हैं। और ठीक उसी तरह एन ए क्यू भी जो है ये बराबर है पी सी ए के, आइए आगे देखते हैं और दोनों क्या है एकांतर है, ध्यान देखिए एन ए बी सी ए एफ बराबर दो एंगल आर के, कोण क्यू ए एन बराबर कोण क्यू एन बी है और कोण क्यू ए एन और बराबर है कोण एफ सी ए के, दोनों आपतन कोण है आई और आई देख रहे हैं ये एकांतर कोण है। इसलिए एंगल एफ सी ए जो है किसके बराबर होगा एंगल सी ए एफ के, क्योंकि क्योंकि एंगल कोण एफ सी ए और कोण सी ए एफ क्या है सम्मुख कोण है, दोनों क्या है सम्मुख कोण है, अतः सामने की भुजा क्या होगी बराबर होगी। जब सामने की भुजा बराबर होगी तो जो ए एफ है ए एफ वो एफ सी के बराबर होगा, ए एफ एफ सी के बराबर होगा, उसकी समीकरण एक नाम से आपका संबोधन में यहां दिया है। अब मान लिया क्या दर्पण छोटा है, दर्पण का द्वारा छोटा है जो बिंदु ए है ये पी के बहुत अधिक नजदीक होगा, या मान लेते हैं ध्रुव नहीं है, ऐसी कंडीशन में बिंदु ए जब ध्रुव पी के नजदीक होगा ए एफ जो है पी एफ के बराबर होगा, अगर समीकरण एक से पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ और एफ सी दोनों क्या है बराबर है, पी एफ को आपने एफ माना है पी सी को आ माना है अर्थात पी एफ एफ है बराबर है इसके बराबर है बराबर है। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एफ इक्वल आर बाई टू या फोकस दूरी बराबर एक बटे दो गुणे वक्रता त्रिज्या। इसी तरह आइए इसी पर एक उदाहरण देते हैं, क्या एक उदाहरण देखिए, जैसे मान लिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है 50 सेमी है, देखिए अपनी बातें मान लीजिए, मान लिया अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेमी है देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना 50 सेमी है और हम लोगों को वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो वक्रता त्रिज्या मान लीजिए फोकस दूरी 50 सेमी है एक्सिस और हमको फाइंड करना है आर, वक्रता त्रिज्या अभी अभी आपने देखा यह इक्वल आर बाई टू या आर इक्वल टू टू एफ, हमेशा जो है औसत दर्पण में ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं इसका भी ध्यान दीजिए, सो आर बराबर टू इंटू फिफ्टी इक्वल टू माइनस हंड्रेड सी एम। लेकिन ठीक इसी तरह उत्तर दर्पण में यदि वक्रता त्रिज्या दी गई हो, क्या उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 सीएम दिया गया, कितना 100 सीएम दिया गया हो और हमको फोकस दूरी निकालनी है, इसमें निगेटिव नहीं हो, ध्यान दीजिए इसमें क्योंकि जो है वास्तविक में है पीछे बन रहा है दर्पण के केंद्र जो है क्या है बाहर, उसके जिससे आप यहाँ लिखेंगे उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है और यहाँ आर दिया है 100 सीएम और यहाँ क्या दिया गया था एफ माइनस 50 सीएम। अब यहाँ निकालना क्या है आपको एफ निकालना है, एफ इक्वल टू आर बाई टू या आप कह सकते हैं एफ बराबर 100 बाई टू इक्वल 50 सीएम। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या
संख्या तथा उपस्थिति का संबंध होना चाहिए, जिस पर कि एक उदाहरण भी हमने दे दिया। अब कल जो आपका पांचों वीडियो होगा द्वितीय अध्याय में, उसमें हम लोग गोली दर्शन के द्वारा बनने वाले प्रतिमा का अध्ययन करेंगे।